नमस्कार दोस्तों, अगर आप 7 अगस्त को हुए कोझिकोड में प्लेन हादसे को सुनकर हैरान हैं तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि मैं आज आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे ही प्लेन क्रैश के बारे में जिसमें कुछ इसी तरह से प्लेन रनवे के बाहर निकल गया था और फिर उसके बाद इतनी बुरी तरह से क्रैश हुआ कि उस प्लेन क्रैश में 8 लोगों को छोड़कर बाकी सभी की मौत हो गई। बाईस मई 2 एयर इंडिया एक्सप्रेस का एक विमान दुबई के एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया। इसमें कुल 160 यात्री और 6 क्रू मेंबर थे। यह बोइंग 737-800 था। इस प्लेन को कर्नाटक के मैंगलोर एयरपोर्ट पर लैंड करना था। इस प्लेन को कैप्टन जसिका और फर्स्ट ऑफिसर हरविंदर सिंह उड़ा रहे थे। कैप्टन जसिका के पास 10,000 घंटे का और फर्स्ट ऑफिसर हरविंदर सिंह के पास करीब 3600 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। आपको बता दें कि एविएशन इंडस्ट्री में किसी भी पायलट का एक्सपीरियंस साल में नहीं बल्कि ये देखा जाता है कि उसने कितने घंटे प्लेन को उड़ाया है। सब कुछ ठीक चल रहा था, मौसम भी साफ था और कोई बारिश नहीं हो रही थी। प्लेन को रनवे 24 पर लैंड होना था और प्लेन ने सक्सेसफुली लैंड भी किया, लेकिन यहाँ एक गड़बड़ हो गई। जब प्लेन रनवे पर टच डाउन किया तो ये ऑलरेडी 5200 फीट के रनवे को पार कर चुका था और इसके पास केवल 2800 फीट का रनवे बचा हुआ था। लेकिन अभी भी कोई दिक्कत की बात नहीं थी, क्योंकि बोइंग के इन प्लेन्स में एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम लगाया गया था जिसकी हेल्प से इसे 2800 फीट के रनवे पर भी आसानी से रोका जा सकता था। इसके अलावा रनवे के खत्म होने के बाद 300 फीट का एक सैंड अरेस्टर बेड भी लगाया गया था, जो कि अगर किसी भी वजह से प्लेन रनवे से बाहर चला जाए तो उसे रोकने में मदद करता है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी प्लेन रुका नहीं और रनवे को तो पार कर ही गया, साथ में सैंड अरेस्टर बेड को पार करते हुए करीब 800 फीट गहरी खाई में गिर गया। खाई में गिरने के बाद प्लेन के 3 टुकड़े हो गए और उसमें आग लग गई। दोस्तों, किसी भी प्लेन के राज को सुलझाने के लिए हर एक प्लेन में एक ब्लैक बॉक्स लगाया जाता है। अगर आपको ये जानना है कि ब्लैक बॉक्स क्या होता है और कैसे ये प्लेन क्रैश के राज को सुलझाने में मदद करता है तो आप आई बटन पर क्लिक करके ये देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये जानने के लिए कि ये प्लेन क्रैश क्यों हुआ था, इस प्लेन के ब्लैक बॉक्स को भी खोजा गया और ब्लैक बॉक्स ने जो खुलासे किए वो हैरान करने वाले थे। दरअसल जसिका पिछले करीब 90 मिनट से प्लेन में सो रही थी और पूरे प्लेन को केवल फर्स्ट ऑफिसर हरविंदर सिंह कंट्रोल कर रहे थे। दोस्तों, आपको बता दें कि मैंगलोर एयरपोर्ट एक टेबल टॉप एयरपोर्ट है। यहाँ के रनवे पर लैंडिंग से पहले पायलट को एक खास तरह की ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। इस तरह के एयरपोर्ट पर अलग तरह की सावधानियाँ भी बरतनी होती हैं। दोस्तों, यहाँ एक और समस्या भी थी कि मैंगलोर एयरपोर्ट का रडार पिछले कुछ दिनों से खराब था, जिसके कारण ATC ने फर्स्ट ऑफिसर को दूसरे रास्ते से लैंडिंग करने को कहा और ये बात फर्स्ट ऑफिसर ने पायलट को बताई। लेकिन फिर उसके बाद कैप्टन ने क्या कहा, ये आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो पाई क्योंकि कैप्टन अभी सोकर उठी थी और उन्होंने अभी तक अपना हेडसेट भी नहीं पहना था। दोस्तों, किसी भी प्लेन को लैंड कराने के लिए ILS सिस्टम का यूज़ किया जाता है। ILS सिस्टम कुछ सिग्नल्स को छोड़ता है जिसे प्लेन कैच करता है और फिर उन सिग्नल्स की हेल्प से ऑटोमेटिकली रनवे की सीध में आ जाता है और प्लेन का ऑटो पायलट प्लेन की डिसेंट रेट, अल्टीट्यूड, स्पीड, हाइट को ऑटोमेटिकली मैनेज करता है। लेकिन यहाँ एक दिक्कत हो गई, प्लेन की हाइट बहुत ज़्यादा थी इसलिए प्लेन ने गलत ग्लाइड स्लोप कैप्चर कर लिया था, जिसके कारण प्लेन 9 डिग्री के एंगल पर लैंड कर रहा था। आपको बता दूं कि किसी भी प्लेन को सेफ लैंड करने के लिए 3 डिग्री का ग्लाइड स्लोप फॉलो करना पड़ता है। अब प्लेन लगभग 3000 फीट पर मिनट से नीचे आ रहा था, जो कि नॉर्मल से लगभग 3 गुना ज़्यादा था। SOP के अनुसार ऐसी परिस्थिति में पायलट को लैंडिंग कैंसिल कर एयरपोर्ट का एक चक्कर काट कर दोबारा वापस लैंडिंग का प्रयास करना चाहिए। फर्स्ट ऑफिसर हरविंदर सिंह ने भी यही डिसीजन लिया था। लेकिन इसी बीच कैप्टन जसिका अभी सोकर जगी थी, उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। और जैसे ही उन्होंने देखा कि प्लेन
3000 फीट पर मिनट की स्पीड से नीचे जा रहा है, तो उन्होंने प्लेन का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया और उन्होंने ऑटो पायलट को डिस्कनेक्ट कर दिया और प्लेन को मैन्युअली लैंड कराने लगी। चूंकि अभी भी उनका डिसेंट रेट बहुत ज़्यादा था, इसलिए जैसे ही उन्होंने रनवे पर लैंड किया, वैसे ही रनवे ने प्लेन को बाउंस किया। हालांकि इस किसी तरह से वह 1600 मीटर के बाद प्लेन को लैंड कराने में सफल नहीं, लेकिन मुसीबत अभी थमी नहीं थी क्योंकि अब उनके पास रुकने के लिए केवल 800 फीट का रनवे बचा था। लैंडिंग के बाद जैसे जैसे रनवे का अंतिम छोर पास आता गया, कैप्टन की चिंताएं बढ़ती गई। थोड़ी देर बाद कैप्टन जेसिका को भी लगा उन्हें गो अराउंड करना चाहिए था, इसलिए उन्होंने थ्रस्ट लीवर को फुल पर सेट कर दिया। लेकिन यहाँ पर उनसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई, उन्होंने थ्रस्ट को तो फुल कर दिया लेकिन ऑटोमेटिक ब्रेक को बंद करना भूल गई। आप उस सिचुएशन को ठीक उसी तरह से समझ सकते हैं जैसे आप अपने कार का एक्सीलरेटर और ब्रेक दोनों एक साथ फुल पावर में लगा रहे हैं। कैप्टन की इस गलती की वजह से प्लेन ना तो ठीक से रुक पा रहा था और ना दोबारा टेक ऑफ कर पा रहा था। अंत में प्लेन एक खाई में गिर गया और प्लेन के 3 हिस्से हो गए और फ्यूल लीकेज के कारण प्लेन में आग लग गई और देखते ही देखते केवल कुछ ही पलों में प्लेन में आग लग गई। इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और साथ में बेल आइकन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो मिलते हैं एक और नॉलेजेबल वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।